नमस्कार। देखिए, हम चर्चा योग की करते हैं, लेकिन बीच बीच में मैं एक जिम का कुछ सेगमेंट भी आपको बताता हूं, क्योंकि जिमिंग जो है उसके भी कुछ अच्छे पार्ट जो हैं वो हमारे जीवन में लाभ कर सकते हैं। आज जो हमारा विषय है ना, वो एक मशीन के ऊपर है। वो मशीन भी ये मान के चलिए योग का ही एक पार्ट है। लेग एक्सटेंशन और लेग कर्ल इस मशीन का नाम है। लेग एक्सटेंशन होती है, ये लगभग जिम में आपको मिलेगा, और ज़्यादातर जो प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है वहाँ भी आपको ये या तो ये मशीन मिलेगी या फिर इसका कोई जुगाड़ होगा। ये जुगाड़ इसलिए अच्छा है कि ये हमारे शरीर के डायमेंशन को सही करता है। मुख्य बात, अदर जो जिमिंग के पार्ट हैं वो तो आपकी बॉडी बिल्डिंग, शारीरिक सौष्ठव, उसके काम आते हैं, लेकिन मैं यहाँ बात शारीरिक सौष्ठव की नहीं कर रहा। यहाँ मैं बात आपको बताऊँगा कि जो हमारे वेन्स होती हैं, जो हमारे शरीर का डायमेंशन होता है, उसको अगर हम सही जगह कर दें तो बहुत सारे दर्द उससे ठीक हो सकते हैं। जैसे हमारी नाभि से संबंधित समस्याएं होती है, बहुत सारे लोगों को होती है, नाभि चक्र नीचे खिसक जाता है, साइड में खिसकता है, वो तो आसानी से ठीक हो जाता है, लेकिन जो ऊपर खिसकता है ना, वो ऊपर वाला बड़ा मुश्किल होता है, वो नीचे नहीं आता। उसके लिए मैंने एक जो हमारे सेंटर में, योगा सेंटर में हमने कुछ मशीनें भी रख रखी हैं, उससे हम लोग कुछ योग के पार्ट्स भी उसमें जोड़ते हैं। तो एक एक्सरसाइज है ये लेग एक्सटेंशन की। इसमें जैसे लेटते हैं हम लोग, इसको करेंगे क्या लाभ मिलेगा वो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब आप इस पार्ट में आप देखिए, देखिए जिनको हाई बीपी है, बीपी ज़्यादा है, हार्ट की प्रॉब्लम, वो सिर को नीचे कभी नहीं करें। ये एक चीज़ हमेशा गांठ बांध के रख लीजिएगा कि उनको सिर नीचे नहीं करना। ज़्यादातर जो जिमिंग सेंटर है वहाँ पर ये फ्लैट होता है, मेरे वाला थोड़ा मैंने नीचे इसको करवाया हुआ है। ये नीचे इसलिए कि इसमें पेट का खिंचाव थोड़ा और ज़्यादा आ जाता है, तो ये जो पेट की जो नसें हैं आप देखेंगे, इसमें जब हम नीचे पैर डालेंगे, नीचे पैर डालकर और इसको ऊपर उठाते हैं, ऐसे ऐसे ऊपर उठाते हैं, तो घुटने से लेकर और यहाँ तक ये सारी की सारी जो हमारी नसें होती हैं ये आते होती हैं, ये एकदम से ऐसे लगता है जैसे सेंटर पार्ट पे आ गई है, इस पर पूरा खिंचाव आता है ऐसे। बस ध्यान ये रखना है कि घुटना दर्द के रोगी इसको नहीं कर सकते, वो अगर वो करें तो वो इतना ही करें, जैसे बस केवल इतना, इससे ज़्यादा नहीं उठाना, ऐसे इतना ही। ये आप किसी, अगर किसी को पेट संबंधी ऐसी समस्या भी है तो आप किसी जिम सेंटर या योगा सेंटर को ज्वाइन करेंगे, वहाँ आपको ये मशीन मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आप ऐसे लेटेंगे ना तो ही आपकी ये नसें अपने आप सीधी हो जाएगी, ऐसे ये पूरा खिंचाव आएगा और आपको उस दिन भूख अच्छी लगेगी। ये मैंने एक दो दिन भी करके दिखाया है लोगों को और उनको बहुत अच्छा इससे लाभ मिला है। हम खुद भी इसको बहुत समय से यूज़ कर रहे हैं, वाकई में इफेक्टिव चीज़ है। तो ये जो नसें हैं ना, ये सारी, ये पेट की सारी नसें खिंच जाएगी। यूथ के लिए तो ये रामबाण है, जो जिमिंग करते हैं उनको ये हमेशा करना चाहिए। तो इसका शुरुआत में पाँच बार कर लीजिए पहले दिन, फिर अगले दिन धीरे धीरे बढ़ाइए 10 बार, फिर 15 बार, बस 15 बार से ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। फिर तीन तीन सेट 15-15 के कर लीजिए, या वेट बढ़ा के करेंगे तो 15-12-10 के तीन सेट हो गए, वेट बढ़ता जाएगा और सेट कम होते जाएंगे। ये हमारा पेट के लिए, किसके लिए, पेट की नसों को सेंटर में लाने के लिए, यानी नाभि चक्र की समस्या, यहाँ पर किसी को गोला भी बनता है उनके लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है। पेट की नसों को पूरा देखिए, आप जो मेरे घुटने हैं वो एकदम सही जगह पे है, पैर जो है वो नीचे एकदम सही डायमेंशन में, इसका मतलब यहाँ पर एकदम सेंटर में मैं सोया हुआ हूँ, तो शरीर टेढ़ा मेढ़ा नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें एकदम सेंट्रलाइज हो जाएगी और ये मेरा नाभि जो है ये एकदम सेंटर में आ जाएगा। तो जिनका नाभि चक्र ऊपर खिसका हुआ हो, ऊपर की ओर, ये बहुत मुश्किल से नीचे आता है, तो ये ऊपर जो खिसका हो उसको नीचे लाने के लिए भी बढ़िया है, और हमारी पेट की आंतों को खींचने के लिए बढ़िया। आपको करते ही ऐसा पेट की वायु में बहुत अच्छा लगेगा, ऐसे लगेगा पेट में कुछ चल रहा है, आपको बहुत अच्छा फील होगा। ये हमारा नाभि से संबंधित खिंचाव के लिए सीधा लेटकर करने की एक्सरसाइज है, इसको लेग कर्ल कहते हैं। ऐसे सीधा लेटना है और आराम से पैर से धीरे धीरे ऐसे सांस भरते हुए पांवों को उठाना है, सांस छोड़ते हुए डाउन, सांस भरते हुए आप, सांस छोड़ते हुए डाउन, रिलैक्स। ये हमारी पेट से संबंधित क्रिया
आज मैंने आपको बताई है। अब इसी एक्सरसाइज में जो कमर से संबंधित है वो और मैं आपको बताता हूँ। यानी एक ही मशीन दो जगह इफेक्ट करती है, बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। केवल बस ये ध्यान रखना है, जिम में करें तो पहले दिन आप सीधा खुद ही नहीं करें, अपने जो जिम इंस्ट्रक्टर है या योगा इंस्ट्रक्टर है उनके सानिध्य में ये एक बार सीख लीजिए, फिर लगातार करिए, फिर बहुत लाभ मिलेगा। तो ये जो हमने लेट के जो लेग कर्ल की है, ये हमारे इन आंतों को पूरा खींच देगा, पेट से संबंधित रोगों में और खिंचाव में, गोले की समस्या है, आंतें ऊंची खिंच जाती है उनके लिए, और आंतों को एक जगह, एक स्पेस देने के लिए बहुत बढ़िया है। तो ये क्रिया आपको इस मशीन पे मैंने बताई। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ सकते हैं, आप योगाचार्य हैं, जिम की बात बता रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा, मैंने एक बचपन में एक पॉइंट पढ़ा था कि हंस जो है ना, वो जहाँ से अच्छा होता है वो चुग लेता है। तो दूध और पानी अगर मिला हुआ है, हंस दूध चुग लेता है। तो आपको हंस की तरह होना चाहिए, जहाँ से अच्छी चीज़ मिले, जहाँ कुछ बढ़िया मिले उसको जीवन में अपनाना चाहिए। जिम में मुझे ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी लगी। ये मैं आज, जैसे मैंने आपको बताया ही था कि मेरा 20-21 साल के टाइम पीरियड में जिमिंग और योगा का, दोनों का एक्सपीरियंस ये मिलाकर मैं यहाँ पर काउंट आपको करता हूँ, यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो अभी जो सेकंड है वो है कमर दर्द के लिए। ये जो एक्सरसाइज है ये भी आपको, देखिए कि जिम के इंस्ट्रक्टर या हमारे योगा इंस्ट्रक्टर होते हैं उनके सानिध्य में इस मशीन को करना है, क्योंकि इसमें अब लेटते समय थोड़ी सी तकलीफ आएगी। कैसे कि इसमें घुटने को इस तरीके से रखना है कि मशीन के पार्ट पर इसका जो है पकड़ आए, और पैर को थोड़ा सा हमें घुटने के ऊपर रखना है, ऐसे यहाँ पर ऐसे ग्रिप करना है। कई मशीनों में यहाँ आता है, कई यहाँ आता है, अलग अलग जगह आता है, कईयों के यहाँ आता है इस तरीके से। आप देखिए मुख्य बात कहाँ है, मुख्य बात है यहाँ, ये जो हमारा लंबर एरिया है, जिनको स्लिप डिस्क है, देखिए उनके लिए मैं मनाही करता हूँ, उनके लिए ये नहीं है। लेकिन जिनको कमर में दर्द है, दर्द का मतलब ये जो हमारा साइड का पार्ट है, यहाँ पर मस्कुलर पेन होता है बहुत सारे लोगों को, यहाँ पर इस जगह, एक मैंने कुल्हे का दर्द भी बताया था, ये साइटिका की नसों का भी दर्द है हल्का हल्का। तो जिनको हल्का पेन है और ये मस्कुलर, मुख्य रूप से तो ये मस्कुलर पेन, उसमें लेग एक्सटेंशन बहुत लाभ करता है। केवल ध्यान इतना रखना है कि बहुत सीवियर पेन हो तो नहीं करें, लेकिन अगर मीठा मीठा दर्द हमेशा रहता है तो उनके लिए हल्का सा ये प्रयोग हो सकता है। कैसे करना है, पाँव को ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें फंसाना है, एड़ी को हल्का सा ऐसे इस तरीके से ऊपर की ओर खींचना है, और ठुड्डी को आगे लगा के रखना है, श्वास भरते हुए ये करना है, श्वास छोड़ते। अब इसमें होगा क्या, आप देखें कि एड़ी जो है वो वजन उठा रही है, एड़ी वजन उठाएगी तो इसका सीधा असर आएगा, ये जो यहाँ से लेके और नीचे पैर के नीचे हिस्से तक जो वेन है ये पूरी खींचेगी। ये हालांकि हम पश्चिमोत्तानासन में भी खींचते हैं, लेकिन उल्टा लेट कर खींचने का इफेक्ट ही अलग होता है। तो ये जो खिंचाव है, ये खिंचाव आपको सुकून देगा। मैं कह रहा हूँ आप एक बार करेंगे ना, उसी दिन उतर के जब चलेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे पैर में किसी ने खून चला दिया हो, एकदम गर्मी आ जाएगी। और ये इतनी शानदार एक्सरसाइज है, इसीलिए मैंने इसको योगा के मेरे इस चैनल पर इसको शेयर करने का सोचा कि ये आपके लिए बहुत शानदार। हर जगह जिम होती है, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र होते हैं, उनमें भी ये एक्सरसाइज मिलेगी आपको इस तरीके से, हल्के हल्के, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना। अगर आप केवल इस एक एक्सरसाइज के लिए भी अगर जिम ज्वाइन करें ना, तो आपके बहुत सारे तकलीफों में, हालांकि ये मोटापे में, कमर के पीछे के फैट में, लेग्स के फैट में, हिप्स के फैट में इसमें लाभ करती है। फैट की आज मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं आपको केवल बात जो कर रहा हूँ ना वो यहाँ के दर्द और पेट के आगे की नसों का दर्द, एकदम खींच कर सारी नसों को सेट कर देती है। बस मेन है बात सेट करने की, और जब आपका पूरी वेन्स का डायमेंशन सेट हो जाएगा तो आपको चलने फिरने में बहुत आनंद आएगा। अब देखिए ये एकदम से सिंपल चीज़ है, लेकिन बहुत बहुत शानदार। इस तरीके से सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पांव नीचे। अब आप सोचिए कि कितना खिंचाव आया है ये नसों में। ये जैसे ही नसों में खिंचाव आएगा, आपको उठने में, बैठने में, चलने में बहुत आनंद महसूस होगा, और फिर उसके बाद में उठकर
बैठ जाए, उल्टा और सीधा दोनों तरीके से आप लेग एक्सटेंशन लेग कर्ल का उपयोग ले सकते हैं। शुरुआत में वेट ज़्यादा नहीं डालना, एक प्लेट से ही आप शुरुआत करेंगे। धीरे धीरे आपको लगे कि मेरी ताकत बढ़ रही है तो दो या तीन प्लेट, ज़्यादा प्लेट्स वजन नहीं उठाना, इसमें हमें ज़्यादा वजन से मतलब नहीं है, मतलब है शरीर का जो हिस्सा है, जो हमारा पाँव कई बार छोटा बड़ा हो जाता है, कई बार एक टांग पर खड़े रहने से यहाँ दर्द आ जाता है, ये सारे दर्द इससे पाँव दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों खींचेंगे बराबर, खींचेंगे रोज खींचेंगे तो अपने आप वो नसें सही हो जाएंगी। किसी के एक नस में ज़्यादा दर्द, एक में कम है, किसी के ये घुटने के जस्ट पीछे यहाँ वायु बन जाती है यहाँ पर, और यहाँ गांठ हो जाती है, यानी घुटने के जस्ट पीछे की नसों में, उसमें उल्टा लेट कर जो करते हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। इसको आप अगर कर सकें तो जहाँ भी मौका मिले या किसी योगा सेंटर या जिम में, अच्छा हाँ ये भी हो सकता है कि जैसे एक दिन आप किसी जिम में टेस्ट करने गए, चेक करने गए, इस एक्सरसाइज को आप एक एक बार, हल्का सा तो मैंने बता दिया, बाकी इंस्ट्रक्टर से पूछ लीजिएगा कि भाई मैं कैसे करूं, क्योंकि हर मशीन का थोड़ा डायमेंशन अलग होता है, किसी का सीधा होता है, किसी का थोड़ा झुका हुआ होता है, तो उनसे एक बार पूछ के इसको आप हल्का सा करेंगे ना बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन बीपी और हार्ट के पेशेंट सिर नीचे नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना, और उनको स्टे भी नहीं करना चाहिए, उनको तो बहुत हल्के से करना, हल्के से छोड़ना, हल्के बहुत हल्का, मतलब देखिए आपके शरीर का आपको पता है, मुझे नहीं पता कि आपकी स्थिति क्या है, लेकिन मैं एक सामान्य व्यक्ति की बात बता रहा हूँ कि सामान्य व्यक्ति जिनको नाभि चक्र और कमर की समस्या है उनके लिए बहुत बढ़िया, और पूरे पैर के फैट को भी ये डिसोल्व करता है। बात इतनी है कि आप फैटी चीज़ों को खाना बंद करिए, आपके शरीर में अगर फैट ज़्यादा डिपॉजिट होगा आपको बीमारियाँ देगा ही देगा, ज़्यादा फैट शरीर के लिए अच्छा नहीं है। चिकनी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, खट्टी चीज़ें और ज़्यादा तिक्त यानी मिर्च मसाले वाली चीज़ें, ये शरीर के लिए नुकसानदेह होती है, जीभ को बहुत अच्छा लगता है लेकिन शरीर बेचारा बहुत तकलीफ़ में आता है। खा लीजिए कोई बात नहीं, महीने में एक दो बार खाना है तो शरीर को थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हम रोज़ सुबह शाम वही खा रहे हैं, तो ये चीज़ों का थोड़ा ध्यान करें। जो युवाओं को, जो नाभि को खिसकने वाली समस्या जो युवाओं को रहती है ना, वो तो ये एक्सरसाइज अपने जिमिंग में डाल ही लीजिए, इसको तो करना ही करना है, बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ पर ब्लड चलेगा। पहले दिन ज़्यादा मत कर लीजिएगा वरना यहाँ पर आपको टाइट हो जाएगा, और जिसको हम बर्क बनना कहते हैं, यहाँ पर एक टाइटनेस आ जाती है, स्टफनेस आ जाती है, वो बन जाएगी, वो फिर तीन चार दिन आपको चलने नहीं देगी। तो पहले दिन दो या तीन या पाँच बार अधिकतम, उससे ज़्यादा नहीं करना, और फिर आप देखना ऐसे लगेगा जैसे आप ठंडा ठंडा सा, आप जैसे मैंने एक बार किया है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है जैसे पैरों के अंदर खून ऐसे चल रहा है और एक ठंडक का सा एहसास हो रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, ये दोनों चीज़ें, और पेट के अंदर जो खिंचाव आ रहा है वो तो अलग ही है, वो तो आनंद ही अलग है। तो ये दो तीन चीज़ों का जो आनंद है, और ये मैं आज की नहीं, 21-22 साल पहले जब मैं सीखता था मेरे गुरुओं से, तो उन्होंने भी अपनी जिम में ज़्यादा कुछ सेटअप नहीं लगा रखा था, बस ये मशीन लेकिन ज़रूर थी, इसकी ज़रूर एक्सरसाइज वो करवाते थे कि ये बहुत बढ़िया है, तो ये हमारी आंतों को खींच देता है, यहाँ पर कमर को भी और यहाँ पर भी। तो जिम जब पहली बार आई थी तब भी इसका इतना महत्व था, आज भी मैं ये मानता हूँ कि इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि पेट आंते कमर तो हमारी वही है जो आज से 100 साल पहले थी, 1000 साल पहले थी, और आगे भी वही रहनी है। तो आप नियमित रूप से योग जीवन की क्रियाओं को अपनाइएगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसा प्रयास करने हेतु मैं आपके लिए जो भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें कहीं मिलने का मेरे को होता है कि यहाँ अच्छी चीज़ मिल रही है वो आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ, और उस पर खुद का रिसर्च करता हूँ, खुद सोचता हूँ कि हाँ इसका ऐसा इफेक्ट आया है, आपको उसका इफेक्ट भी मिलता है, आपके कमेंट भी बहुत अच्छे आते हैं, आप लिखते भी हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, तो आपका ये अप्रिशिएशन जब मिलता रहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति एक एक व्यक्ति स्वस्थ हो, और उसमें जितना हमारा नॉलेज है वो हम देने का प्रयास करते हैं। हो सकता है हमारा नॉलेज सबसे कम हो सकता है हमसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग हों, लेकिन आप उनका भी फॉलो करिए, और जो अगर मेरी ये बात अच्छी लगती है तो आप हमें भी जो है एप्रिशिएशन दीजिए और जुड़े रहिए। भगवान ने चाहा तो कोई अच्छा हॉस्पिटल, कोई अच्छा योगा केंद्र हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, आप सबका सहयोग उसमें चाहिएगा, धीरे धीरे आप जुड़ते जाइए और हम आगे जो है आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आने का प्रयास करेंगे। अब मेरे साथी नरेश जी के साथ मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूँ इजाज़त, त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।